वही इस कॉन्टेस्ट में ना सिर्फ हम हिस्सा लेंगे बल्कि इस कॉम्पिटिशन को जीत के भी दिखाएंगे। तेरे इन आंखों के आंसुओं को अगर मैंने हंसी में ना बदल दिया और पूरी दुनिया के सामने ये ना साबित कर दिया कि मैं तेरा परफेक्ट हस्बैंड हूं, मेरा नाम विनोद खन्ना नहीं। वीनू, मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो, मम्मा, मम्मा मैं और वीनू ना वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोनू, सिर्फ तेरी बात होती तो तू पक्का जीत जाती। पर दामा जी के जीत पे मुझे उतना भरोसा नहीं है। जय श्री कृष्ण सासुमा। जय श्री कृष्ण सासुमा। मिठाइयों के ऑर्डर दे दीजिए क्योंकि इस साल ना मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड कंपटीशन हम दोनों ही जीत के रहेंगे। और हाँ, वो जो ट्रॉफी है ना वो तो खन्ना परिवार में ही आएगी। ये विनोद खन्ना का ओपन चैलेंज। अच्छा। जय श्री कृष्ण। ओके। दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ। क्या बात है मेरे आगरा के बेटे। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए आखिर तुम मान गए? हाँ, क्योंकि ये मेरी नहीं सोनू की इज्जत का सवाल है और इस बार मैं सोनू की मम्मी को ना साबित कर दूंगा कि सोनू ने मुझसे शादी करके कोई गलती नहीं की। वो सब छोड़, ये बता कि तू डांस वांस कैसे करेगा? वो तो तूने कभी लाइफ में नहीं किया। चल मेरे साथ थोड़ा नृत्य कर, तेरा अभ्यास हो जाएगा। ए, इस बार नाच होया गाना, मैं पीछे हटने वाला नहीं। और कहते हैं ना हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। चलो जियो मेरे लाल, मिलाले सुर मिलाले ताल, तथास्तु मेरे उच्च पति। दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब शुरू होने वाला है परफेक्ट हस्बैंड कॉन्टेस्ट ऑफ पटियाला। और अब आ रहे हैं 9 कॉन्टेस्टेंट्स जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। विनोद बाबू, जीतेंगे तो हम ही मुंह उठा के देखते हैं। मिश्रा जी। हाँ जी। सोनू, तुझे ना अपना मजाक उड़वाने की आदत हो गई, अब तुझे अपना मजाक उड़वाना तो तू उड़वा लेती, तुमसे कम अपने हबी पे थोड़ा तरस तो खाती। क्योंकि ये जो कॉन्टेस्ट है ना, ये तो मेरे हबी जीतेंगे क्योंकि मेरे हबी ना बेस्ट है। ज्योति, अभी तक ना कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हुआ और ना ही मेरा हौसला खत्म हुआ। मुझे मेरे विनू ने प्रॉमिस किया है कि ये कॉन्टेस्ट वो ही जीतेगा और मुझे मेरे विनू के कॉन्फिडेंस पे ना पूरा कॉन्फिडेंस है। सुनो, तुमने ये ऐसा ना हो कि इन लोग सच में जीत जाए। बेबी कुछ करो। डोंट वरी बेबी, ये कॉम्पिटिशन तो हम ही जीतेंगे। मैं भी आता हूँ, ठीक है? डील पक्की? बिल्कुल पक्की। डील भी पक्की और विनर भी। सुनो, तू घबरा मत यार, ये कंपटीशन ना हम ही जीतेंगे। अगर तू मेरा साथ देगी तो ये जंग तो क्या,
दुनिया की कोई भी जंग ना मैं जीत जाऊंगा। और वैसे भी ये ट्रॉफी हमारे घर ही आई। फर्स्ट राउंड की सारी डिटेल्स है इसके अंदर। कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट राउंड आप ही जीतने वाले। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। तो अब शुरू करते हैं हमारा मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड कॉन्टेस्ट। एंड मे आई ऐड, लेट द बेस्ट कपल विन। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मिश्रा जी, मुंह उठा के, मुंह उठा के। मिश्रा जी, कोई भी कॉन्टेस्ट बिना जजेस के पूरा तो नहीं हो सकता, इसीलिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे जजेस। सबसे पहले आ रहे हैं पटियाला की सोशलाइट मिसेस किरण टंडन। के प्रिंसिपल मिस्टर तनेजा। अरे इतनी जल्दी तनेजा सर। अरे मिश्रा की आप ओ सर, मिस टाइम की वजह से मुंह उठा के। अरे जीत भी जाइए मुंह उठा के। जी जी, थैंक यू थैंक यू। अरे महोदय, आप भी? ट्रॉफी जो है वो महाविद्यालय में आनी चाहिए। हमारे जजेस भी आ चुके हैं और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी रेडी है, तो अब शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस कॉन्टेस्ट में होने क्या वाला है और इसके रूल्स क्या है। इस कॉन्टेस्ट में 3 सीक्रेट राउंड्स होंगे और हर साल की तरह ये एकदम नए होंगे, ताकि कोई भी पार्टिसिपेंट चीट ना कर सके और पहले से तैयार ना हो सके। हर सही जवाब के 10 पॉइंट होंगे। जिस जोड़ी को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो जोड़ी जीतेगी और चुना जाएगा मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड। तो अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट राउंड। अब एक परफेक्ट हस्बैंड की क्वालिटी ये है कि वो अपने पत्नी के मन की बात को जाने। ये फर्स्ट राउंड साबित करेगा कि कौन से पति को अपने पत्नी के मन की बात की खबर है। इस राउंड में हम पत्नियों को 3 सवाल पूछेंगे उनके पसंद और नापसंद के बारे में, जिनके जवाब उन्हें एक चिट पर लिखने होंगे जो वो अपने बास्केट में रखेंगे। और फिर हम वही सवाल पतियों से पूछेंगे जिसका जवाब उन्हें सबके सामने देना होगा। जिसके पति सबसे ज्यादा सही जवाब देंगे उन्हें उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और वो कपल होंगे इस राउंड के विनर। लेकिन 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 मैं बता दूं कि ये एक एलिमिनेशन राउंड। इस राउंड के बाद सिर्फ 3 कपल्स आगे जाएंगे। ओके, अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे हस्बैंड्स को कि वो प्लीज बैकस्टेज जाए और सारी पत्नियां प्लीज आगे आ जाइए। अब आपके 3 सवाल इन चिट पर लिखे गए हैं, जिनका जवाब आपको इस चिट में ही लिखने हैं और अलग अलग बास्केट में रख देने। प्लीज इसके आंसर्स ऑनेस्टली दीजिए। प्लीज क्लैप फॉर ऑल द वाइव्स। प्लीज अपने जवाब अपने अपने बोल्स में डाल दीजिए।
एक एक करके पतियों को स्टेज पे बुलाएंगे और उन्हें ये सेम सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि उनके जवाब मैच करते हैं या नहीं। और जो इस राउंड में हारेगा वो इस राउंड से बाहर हो जाएगा और रह जाएंगे सिर्फ 3 कप। बुलाते हैं हमारे फर्स्ट पार्टिसिपेंट को, मिश्रा जी। चलिए मिश्रा जी, आपको पूछते हैं सबसे पहला सवाल। हाँ जी। आपकी पत्नी का फेवरेट कलर क्या है? अरे तो सिंपल सवाल है, मेरी पत्नी का फेवरेट कलर है लाल। ये गलत जवाब है। उनका फेवरेट कलर ग्रीन है। चलिए अगला सवाल। हाँ, आपके पति का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है? अरे ये तो एकदम सिंपल जवाब है, मेरी पत्नी का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन है उसका मायका बनारस। ये भी गलत जवाब है। गलत? उनका फेवरेट डेस्टिनेशन कश्मीर है। कश्मीर। लास्ट सवाल। हाँ जी। आपके पत्नी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड? हाँ, मिसेस शर्मा। ये भी गलत जवाब मिश्रा जी, मिसेस गुलाटी बेस्ट फ्रेंड है। सॉरी, आपने सारे सवालों का गलत जवाब दिया है इसलिए आप इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। हारने का गम नहीं है, गम इस बात का है कि मिसेस मिश्रा घर पे जाके धुलाई करेगी मोटा के। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे दूसरे कंटेस्टेंट मिस्टर मनोहर खन्ना। तालिया। पापा, ऑल द बेस्ट पापा जी। आप रेडी हैं? हाँ जी, पूछो। आपके पत्नी का मनपसंद रंग क्या है? मनपसंद रंग? Yeah. रंग वो आपका क्या है? रंग आपकी पत्नी का? हाँ हाँ हाँ, एक जी। मैं अगला सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ओके, आपकी पत्नी का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है? फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन मम्मी का यार, मैं कभी इसके साथ कहीं गया ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। ओए हंसो मत यार। मतलब आप नहीं जानते? अजीब कन्नू, अपने पापा जी से कह के इतने साल हो गए शादी को लेकिन ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी लुधियाने वाली पन्नी मासी हमेशा कह, रुक जा। ओए बुन्नू, अपनी मम्मी जी से कह दे कि थोड़ा चुप रहे और अपनी लुधियाने वाली पम्मी मौसी को भी ना चुप करके रखे। और इतने दिन शादी के हो गए, दिमाग चाट गई है, दिमाग काम कहां से करेगा। कन्नू, अपने पापा जी से कह दे, जब से इनके साथ मेरी शादी हुई ना, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ओए बुन्नू, इसकी किस्मत फूटी है तो हमारी कौन सी लॉटरी निकल गई है, है? मनोहर, आप अपना ये गृह युद्ध घर पे जाके कीजिए, अभी आप अपने तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। और दे देंगे। लास्ट सवाल। हाँ जी, हाँ जी, पूछो। ओके, आपके पत्नी का फेवरेट फ्रेंड कौन है? और जी, मेरी पत्नी का फेवरेट फ्रेंड कौन होगा, वही लुधियाने वाली पम्मी मौसी, और कौन। ये सही जवाब है। मनोहर जी ने एक सवाल का सही जवाब दिया इसलिए आप कॉन्टेस्ट में अभी भी हैं। और क्या बात है जी? आप प्लीज अपने वाइफ को ज्वाइन कीजिए। अच्छा, मैं भी अपने अगले कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूंगी। हमारे अगले पार्टिसिपेंट है विशाल सचदेवा। विशाल जी, रेडी? ओके, पहला सवाल, आपकी पत्नी का फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। सही जवाब।
दूसरा सवाल, आपकी पत्नी का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है? गोवा। ये भी सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, आपकी पत्नी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? उसका डॉगी। वो ये भी सही जवाब। देखा, सबके पति इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। आपने तीनों सवालों के सही जवाब देकर इस कॉन्टेस्ट में लीड किया है। आप प्लीज अपने वाइफ को ज्वाइन करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर विनोद खन्ना। इन तीनों सवालों के जवाब क्या हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सोनू तो कभी खुद भी श्योर नहीं होती। दादी, भाई तो बड़ा कंफ्यूज लग रहा है, अब क्या होगा? कोई नहीं, तू फिक्र ना कर, सब बाबा जी पे छोड़ दो, बस चंगा ही होगा सब। ओहो, मेरे कंफ्यूज्ड कैलेंडर, कितना सोच क्या रहा है? मणि है ना पास में, उसे यूज कर और सोनू के मन के जवाब पढ़। अगर मैं मणि का सहारा लेता हूं तो मैं कहां का परफेक्ट हस्बैंड? मैं ही जवाब दूंगा, क्योंकि मैं सोनू को बहुत अच्छे से जानता हूं। यस। रेडी? ओके। आपका पहला सवाल, आपकी पत्नी का फेवरेट कलर क्या है? सोनू, हाँ? सोनू जल्दी आ यार, वो मैं ना तेरे लिए ऑनलाइन एक ड्रेस ऑर्डर कर रहा हूँ, बता हाँ? कौन सा कलर पसंद है तुझे? नहीं, कलर बता। रेड। रेड नहीं, ग्रीन। एक्चुअली ना ऑरेंज। वो क्या यार, रेड ग्रीन ऑरेंज ब्लू ब्लैक, वो मुझे नहीं पता यार। वो ये देख, ये ड्रेस ना व्हाइट में भी बड़ी अच्छी लग रही है यार, मैं व्हाइट ऑर्डर कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। हाँ क्या है, पहले नहीं बता सकती थी कि तुझे व्हाइट पसंद है? तुम्हें पता था तो तुमने पूछा ही क्यों? हाँ, व्हाइट यानी सफेद। चलिए दूसरा सवाल, हाँ, आपके पत्नी का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है? सोनू, अब फाइनली बता दे कि तुझे इन छुट्टियों में कहाँ लेके जाऊं? वैसे ना गोवा मुझे पसंद है। गोवा? नहीं, मुझे ना नैनीताल पसंद है। नैनीताल भी ठीक है। नहीं, ऊटी चले। ऊटी? हाँ। लेकिन उस दिन तो तू कह रही थी कि तुझे शिमला लेके जाऊं। तुम्हें सब पता है ना, तो फिर पूछते क्यों? पूछना जरूरी है ना, पूछना जरूरी है ना, पूछना जरूरी है। बोल। शिमला। सही जवाब। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इतने श्योर कैसे हैं? ये क्या है ना कि मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो वो सोचती है वो कहती नहीं, और जो वो कहती है वो लिखती नहीं। हाँ, सही बात है। That's very intelligent.
ओके, अगर आपने तीसरे सवाल का सही जवाब दिया तो इस राउंड के दो लीडर्स होंगे। यस, ओके, गुड लक। आपका तीसरा सवाल, आपके पत्नी का बेस्ट फ्रेंड कौन है?